कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है, यहाँ जो आपकी वैकेंसी आ रही है आईएलटी की तरफ से आ रही है। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप लोग जितनी भी वैकेंसी में ज़्यादा अप्लाई करेंगे, उतने ही आप लोग के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि गाइस, आप लोग भी जानते हैं ये बात, जब आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो आप भी अलग अलग तरीके के फॉर्म यहाँ पर अलग अलग एग्ज़ाम देते रहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि किस एग्ज़ाम की तरफ से आप लोगों के पास जो है रिवॉर्ड आ जाएगा, किस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जब आप उस जॉब के लिए वहाँ पर अलग अलग फॉर्म, अलग अलग जो है एप्लीकेशन पर अपना फॉर्म फिलअप करते रहते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो गाइस यहाँ तो आप लोगों को खुद से जॉब सर्च करना है, तब आप लोग को यहाँ पर जॉब मिलने वाली। तो यहाँ पर भी हर जगह गाइस, हर जगह कंपटीशन है। तो आप लोग को यहाँ पर अपना जो है एक तरीके से जॉब को छीनना होगा, ना कि जॉब आपको कोई देने नहीं आएगा, जॉब आपको छीननी पड़ेगी। तो ये आप लोग को क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। हम सिर्फ आपको अपडेट दे सकते हैं गाइस, अप्लाई आप सभी को ही करना है। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अप्लाई ज़रूर किया करें। साथ ही देखिए, यहाँ पर जो आप लोग की करियर साइड से वैकेंसी आती है वो तो ज़रूर अप्लाई किया करें। तो चलिए हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, अपनी वैकेंसी की ओर आते हैं। आज की जो वैकेंसी हमारी एलएनटी टेक्नोलॉजी की तरफ से आ रही है गाइस, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और आप लोग को एलएनटी के बारे में ग्रुप के बारे में पता ही होगा, ये जो है एलएनटी का ही ग्रुप है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस। एलएनटी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क करता है और यहाँ आप लोग का जो प्रोजेक्ट रहने वाला है, यहाँ पर अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए आप लोग को हायर किया जा रहा है। तो गाइस, आप लोग जो है, ये जो आप लोग के सामने साइट खुला हुआ है, ये मेन साइट है, इसका करियर साइट है। तो आप लोग को डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर हमारी यूट्यूब से अपडेट हो जाती है, मैं आप लोग को वहाँ पर अपडेट देती रहती हूँ। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग को इस वैकेंसी की ओर लेके चलूँगी। यहाँ आप लोग के पास ये लिंक खुला हुआ, आप लोग को क्या करना है गाइस, ये करियर साइट है। यहाँ पर देखिए, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप लोग जिस कंट्री में जॉब पाना चाहते हैं उस कंट्री को, जैसे हम लोग इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जब इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग का यहाँ पर एक टैब ओपन हो जाएगा, जो आप लोग को वहाँ पर जॉब शो करने लगेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारे जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, आप लोग को कई सारे पेजेस में देखने के लिए मिल जाएंगे, बट हमारे जो रिसेंटली जॉब है हम लोग वो फॉलो करेंगे, यहाँ पर उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि रिसेंटली जॉब आई है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी नहीं किया होगा, तो इसलिए हम लोग उन जॉब्स को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि गाइज, ये जो है देखिए, यहाँ पर सर्च जॉब का ऑप्शन दिया गया है, लोकेशन दिया गया है। आप जिस भी लोकेशन में सर्च करेंगे, अगर जॉब होगी तो आप लोग को ज़रूर मिलेगी, नहीं होगी तो यहाँ पर नॉट फाउंड इस तरीके से दिखा देगा। ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए तो हम लोग जॉब्स के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा जो जॉब्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर का है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन भी बता देती हूँ कि आप लोग क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप लोग सभी एलिजिबल रह पाएंगे। तो अगर आप लोग इंडिया में कहीं से भी हैं तो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांच आप लोग की एलिजिबल है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर देखिए, अगर आप डिप्लोमा से हैं या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएट में जैसे बीई बीटेक आप लोगों ने कर रखा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप लोग या फिर एमई एमटेक वगैरह कर रखा है, तो आप लोग सभी एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वन बाय वन वैकेंसी के बारे में देखेंगे। सेकेंड जो वैकेंसी है गाइस, हम लोग की आ रही है सीनियर इंजीनियर की। तो गाइस, सीनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है, देखिए हम वन बाय इस तरीके से ओपन करके इसके बारे में देख सकते हैं। जैसे हमने सीनियर इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसी ओपन कर ली, हमें देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये 13 अप्रैल को पोस्ट आउट की गई है, एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। रिक्वायर्ड स्किल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर सीनियर है तो सीनियर के तौर पर आप लोगों से एक्सपीरियंस तो मांगा जाएगा। बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही देखिए, यहाँ जो आप लोग की ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 5 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये चीज़ें मेन है। ठीक है, अब बात कर लेते गाइस हम लोग फ्रेशर्स की। तो इसी तरीके से हम लोग फ्रेशर वाले देखेंगे, जिसे मान लीजिए यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर की दे रखी है। इसके लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर वन बाय वन चेक करेंगे कि एक्सपीरियंस क्या मांगा गया। अगर एक्सपीरियंस मांगा गया तो एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर दें, अगर फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल हैं तो फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप लोगों से जो मेन आप लोगों से मांगी गई C++ मांगा गया है, ये आप लोगों को कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस तो आप लोगों का ज़्यादा वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, आप लोगों से
मांगा है सी एंड सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर यहाँ पर देखिए मेडिकल सॉफ्टवेयर आप लोग के यहाँ पर जो रहता है इसमें कुछ आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, ये कुछ आप लोगों से एक्सपीरियंस इस चीज़ का मांगा गया है। अब इसके लिए जो अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप लोग डिप्लोमा वाले हैं बीई बीटेक वाले हैं या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा तो अप्लाई कर सकते हैं, बट आप लोग के पास देखिए ये वाली स्किल होनी चाहिए, तो ये चीज़ें मेन है, इसके लिए ये स्किल होनी चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग दूसरी वैकेंसी देख लेंगे, टीम लीडर में क्या इसको ओपन करेंगे तो इनमें क्या हमारा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, इसके लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। की स्किल कुछ मांगी है जैसे इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई करेंगे और आप लोग को ब्लॉक डायग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो पहले ये चीज़ें होती हैं, बाकी आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलुरु लोकेशन रहेगी 13 तारीख को, आपके यहाँ पर 13 अप्रैल को पोस्ट आउट की गई है जॉब, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को कुछ जॉब्स के, आप देखिए इंजीनियर है, इंजीनियर की जॉब के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग ओपन करके देखेंगे, तो ओपन करेंगे तो आप लोग फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पर जो बीई और एमई यहाँ पर वाले सीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, तो सारी चीज़ें आप लोग को इसी के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं, बाकी आप लोग यहीं से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जॉब की, तो नेक्स्ट जॉब आप लोग खोजेंगे तो आप लोग के सामने फ्रंट में ही खुला होगा, तो ये पहला पेज है, देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक जॉब। उसके बाद आप लोग दूसरे पेज पर जाएंगे, दूसरे पेज पर आप लोग को और जॉब्स देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब 6 से लेकर 10 तक, ये आप लोग को 13 अप्रैल को पोस्ट आउट की गई है। इन्हें आप लोग 1 बाय 1 चेक कर लीजिए किस तरीके से आप लोग कौन से उसमें आप लोग एलिजिबल हैं, तो मैं आप लोग को सभी नहीं दिखाऊँ। इस तरीके से थर्ड पेज पर आप लोग जा सकते हैं, तो आप लोग अप्लाई मतलब देख सकते हैं 1 बाय 1। तो मैं आप लोग को बता दूँ, जैसे यहाँ पर आप लोग की देखिए मैन्युफैक्चरिंग की दी गई है, तो इस जॉब को ओपन करके देख लीजिए, इसमें मांगा गया है एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये मांगा गया है एक्सपीरियंस, 12 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं अगर एक्सपीरियंस है तो करें। तो ये चीज़ है आप लोग को फ्रेशर्स के लिए, तो मैंने आप लोग को पहले पेज में ही बता दी फ्रेशर्स वाली कौन सी जॉब है, तो उनमें अप्लाई ज़रूर कर दें। साथ ही मैं आप लोग को एक अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ये चीज़ है, चलिए मैं आप लोग को फर्स्ट पेज पर लेके चलती हूँ जिससे कि आप लोग अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं हम लोग, साथ ही देखिए यहाँ पर जैसे टीम लीडर की है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग सभी एलिजिबल हैं, तो मैं इसीलिए आप लोग को इसी को जॉब को अप्लाई करके बताऊंगी। अप्लाई यहाँ से करना है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे गाइस, आप लोग को यहाँ पर एक और न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ बेसिकली आप लोग की दो चीज़ें आएंगी, ईमेल एंड पासवर्ड। तो गाइस अगर देखिए मेरा ईमेल पहले से ही रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पर, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर ईमेल शो हो रहा है और यहाँ पर पासवर्ड शो हो रहा है। बट अगर आप रजिस्टर्ड पहले से हैं और आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप लोग फॉरवर्ड पासवर्ड कर लीजिए, ईमेल पर आप लोगों का ओटीपी पहुंच जाएगा, ओटीपी डाल दीजिए। बट अगर आप उससे न्यू यूज़र है, कभी अप्लाई नहीं किया, तो आप लोग यहाँ से करिए। तो न्यू यूज़र के लिए कैसे करना है वो जानिए, जो हमारे पुराने यूज़र है तो उनको तो पता ही होगा क्योंकि उनको तो बेसिकली क्रिया ही हुआ है। तो उनको क्या करना है, न्यू यूज़र पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी मांगी गई है यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर रिपीट यहाँ पर डालना है ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालना है, यहाँ पर अगेन पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के लिए ये सारे कैरेक्टर मतलब ये सारे फॉलो करें रूल, जैसे 8 कैरेक्टरिस्टिक का होना चाहिए और मतलब बाकी चीज़ें भी जैसे कि मतलब 8 डिजिट से ज़्यादा और मतलब 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए और 18 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ में ना कुछ और भी पासवर्ड। उसके बाद फर्स्ट नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए, ये सारी चीज़ें कर लेंगे आप लोग, कर देंगे क्रिएट अकाउंट, तो आप क्रिएट हो जाएगा, फिर से यही टैब ओपन हो जाएगा और आप लोग को यहाँ पर फिर से क्लिक करना और आप लोग को फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म आप लोग को पूरा फिलअप कर लेना है। तो ये तो छोटा सा प्रोसेस आप लोग का। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अप्लाई जरूर कर देना।